बालाघाट कांग्रेस के अध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में पार्टी का आंदोलन लगातार जारी रहेगा और जन जन को इसकी हकीकत बताई जाएगी। उन्होंने शुक्रवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के पीछे कई कारण है। इसमें अडानी पर बैंक, LIC आदि का पैसा प्रयोग कर देश को कमजोर करने का प्रयोग भी शामिल है। उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए JPC की मांग करने के कारण ही 7 दिनों के भीतर भाजपा के द्वारा सब कुछ किया गया। भाजपा सरकार सच्चाई को छिपाने का काम कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। और दूसरा सवाल उनका राहुल गांधी जी का था कि अडानी जी के मोदी जी के साथ विदेश यात्रा में अडानी जी ज़्यादातर देखे गए हैं, उन्होंने फोटोग्राफ्स भी संसद में दिखाए और उन्हें पूछा कि बांग्लादेश की यात्रा में हो, चाहे श्रीलंका की यात्रा में हो, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा में अडानी जी, प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन, ये सब साथ में दिखे, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी संसद में, उनको एक अधिकार है कि संसद में इन सारी चीज़ों के बारे में सवाल करें। और बड़ा दुर्भाग्य है कि जब उन्होंने संसद में ये सवाल पूछा और उसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने भी सवाल जब पूछे, तो उनके जो संसद में जो भाषण दिए गए थे, जो सवाल पूछे गए थे, उनको भी संसद की कार्रवाई से निकाल दिया जाना, ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, उनको मिटाने का काम कर रही है। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, निश्चित तौर पे कोई भी सांसद देश के बारे में सवाल पूछ सकता है और सरकार को उसमें जवाब दिया जाना चाहिए था, जो निश्चित तौर पे मोदी जी द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में राहुल गांधी जी लगातार सरकार पे आरोप लगाते आ रहे हैं। और ठीक संसद के में उन्होंने जो 7 तारीख को उन्होंने जो ये सारे सवाल किए, उसके 20-15 दिन के बाद में पुनः उनके खिलाफ में जो मानहानि का एक पुराना मामला था, वो मामला प्रारंभ हो जाता है और बहुत जल्दी उस पर निर्णय आके और उनको अयोग्य करार दिया जाता है न्यायालय द्वारा। और न्यायालय द्वारा जो आदेश किया गया उसके केवल 24 घंटे के अंदर, ऐसा क्या हो गया कि 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी को की सदस्यता लोकसभा से समाप्त कर दी जाती है, उनको घर खाली करने का आदेश दिया जाता है। ये आज तक मैं ऐसा मानता हूँ कि एक जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं ये जो परपार्टी चली आ रही है, ये गलत परपार्टी है। और हम सब कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं आने वाले समय में इन बातों को लेकर बूथ तक जाएंगे, गांव तक जाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जितना दबाने का काम कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राहुल गांधी जी के साथ में कांग्रेस का एक छोटे से लेकर बड़ा नेता तक राहुल गांधी जी के साथ इन मुद्दों पे खड़ा है। और इन जो दबाने का काम आज कांग्रेस को कर रही है, निश्चित तौर पे कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, उतनी ताकत के साथ इसका विरोध करेगी और लगातार कांग्रेस अपनी मजबूत स्थिति करेगी और आने वाले समय में कांग्रेस अपनी प्रदेश में भी और केंद्र में भी सरकार बनाएगी। प्रेस वार्ता को उनके अलावा लांजी विधायक सुश्री हिना कावरे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव पुष्पा बिसेन, पूर्व विधायक मधु भगत, प्रवक्ता अनूप सिंह बैस और जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने भी संबोधित किया। हिना कावरे ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई है, उससे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लगातार उनकी छवि को धूमिल करने के लिए कुत्सित प्रयास किया गया है। इसी की एक वानगी है उन्हें संसद से अयोग्य ठहराया जाना। हिना कावरे ने कहा कि राहुल गांधी ने जो भी आरोप भाजपा सरकार पर लगाए हैं और जिन मुद्दों को उठाया है, उसका जवाब आज तक भाजपा ने नहीं दिया और ना ही कोई जांच कराई। अडानी मामले में भी यही हुआ। इसी के चलते सरकार ने एक मानहानि से जुड़े मामले में बिना देर लगाए उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी और बंगला खाली करने के आदेश दे दिए। जो अडानी हो या जितने पर भी आरोप आदरणीय राहुल गांधी जी ने लगाए हैं, यदि सत्ता पक्ष को ऐसा लगता है कि आरोप गलत है तो वो उसको साबित करें, उनका काम है। विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, सत्ता पक्ष का काम होता है उसका जवाब देना। लेकिन इन सब जवाबों से बच क्यों रही है सरकार? सारे मामले स्पष्ट हैं, खुले रूप से हैं, प्रश्न लिखित में भी गए हैं, संसद में राहुल जी ने खड़े होकर पूछा, संसद के बाहर सारी बातें रखी। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है और जवाब देना सत्ता पक्ष का काम है। आज अगर हमारे देश का गाढ़ा पैसा कहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं चुनाव के समय सत्तारूढ़ दल इन सब चीज़ों का उपयोग करेगा और लोकतंत्र पर
इसी पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो जो मुख्य बातें आज हम सब आप लोगों के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं उसका केंद्र बिंदु यही है कि जब चुनाव आता है और जिस तरीके से शराब का पैसों का जो अफरा तफरी मचती है इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ता है और निश्चित रूप से यदि कोई कंपनी इस तरह से इलीगल तरीके से यदि काम कर रही है तो वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों को पैसे से मजबूत कर रही है, पार्टी को पैसे से मजबूत कर रही है और उसी पैसे का उपयोग चुनाव में होगा, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो विधानसभा के चुनाव में। तो हम सब का यही उद्देश्य है कि इन सब चीज़ों को हम सामने लेकर आएँ, लोकतंत्र को मजबूत करें। कांग्रेस का सदा से यही हमेशा विचार रहा है। और रही बात जहाँ तक राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी का इससे कोई कम ज़्यादा होने वाला नहीं है, वो सर्वमान्य नेता थे, हैं और रहेंगे। और रही बात जहाँ तक गांधी परिवार की, तो उन्होंने हमेशा गलत बातों का विरोध किया है, हमेशा देश हित की बात उन्होंने की है। आज पूरे गांधी परिवार को आप उठाकर देख लो, कांग्रेस के हर नेता को देख लो, कहीं ना कहीं आपको उनके पीछे बलिदान की गाथा मिलेगी। और आज ऐसे व्यक्ति पर यदि आरोप लग रहा है तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि इन सब बातों को जमीन तक लेकर जाए। पूर्व विधायक मधु भगत ने कहा कि जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए भाजपा ने सभी तरह के प्रयोग किए, उसी तरह से हम भाजपा को बेनकाब करने के लिए जनता के बीच पहुंचकर सत्याग्रह चलाएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का मुद्दा सड़क से लेकर बूथ तक लड़ा जाएगा, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार नुक्कड़ सभाएं, आम जनमानस से चर्चा और संवाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता अनूप सिंह बैस ने भी कानूनी तौर पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी की सदस्यता जिस तरीके से बर्खास्त की गई यह न्याय संगत नहीं होने के कारण अब इसे जन आंदोलन का रूप कांग्रेस के द्वारा दिया जाएगा। इस आंदोलन को प्रोग्राम के अनुसार अपने जिले के अंदर प्रति विधानसभा अनुसार ब्लॉक के अनुसार हम लोग जनहित में जाएंगे और राहुल गांधी जी की छवि को पूरी तरह से हम साक्षर करके बताएंगे कि राहुल गांधी जी किस बात पे चर्चा करना चाहते थे, इस देश की सुरक्षा वो कैसी चाहते थे, किसान की सुरक्षा वो क्या चाहते थे, महंगाई कैसी टूट पड़ी उसके ऊपर वो चर्चा करना चाहते थे। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज प्रेस वार्ता रखी गई है। निश्चित तौर पर हम लोग अपने क्षेत्र के अंदर उनकी छवि को पारदर्शिता से आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ का मकोटा है वो हम लोग प्रदर्शित करें। जहाँ हम एक और देखते हैं कि इसी प्रजातंत्र में ऐसे लोग भी चुनकर संसद में पहुंच चुके हैं जिनके ऊपर 302 की धाराएं लगी हुई हैं, जिन्हें सजाएं हो चुकी हैं, बम धमाकों के आरोपी तक संसद में पहुंच चुके हैं। वहीं पर ऐसी मामूली सी धारा 499 जिसमें माफ़ी का जो एक प्रमुख बिंदु है और उस बिंदु के तहत ही यह पूरी की पूरी धारा जो है वो क्षमा योग्य हो जाती है। इस बात पर विचार न करते हुए जिस तरह से कानून का माखौल केंद्र की सरकार द्वारा उड़ाया गया है, इसको लेकर कांग्रेस के सभी साथी जन आंदोलन का स्वरूप देते हुए आम जनता के बीच में पहुंचेंगे।